क्रीपर्स और क्लाइंबर्स दोनों एक ही तरह के प्लांट्स होते हैं, लेकिन एक फर्क होता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये दोनों प्लांट जो हैं वो लताओं वाले ही होते हैं और दोनों सेम सेम ही होते हैं, और हमेशा आप कंफ्यूज रहते हैं कि क्रीपर्स आखिर इसको क्यों बोलते हैं, किसी को क्लाइंबर्स क्यों बोलते हैं। तो एक फर्क होता है, वो फर्क होता है ना टेंड्रिल्स का। टेंड्रिल्स का जो है फर्क होता है, जो क्लाइंबर्स वाले प्लांट होते हैं जिनको आप लोगों ने देखा होगा कि छत पर या दूसरे प्लांट्स पर ये ऊपर आसानी से चढ़ जाते हैं और चढ़ने के बाद उस पर फल लगते हैं, तो उनमें होता है टेंड्रिल्स। इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा क्लाइंबर्स वाले प्लांट में, जैसे कि आप लोगों ने अगर गांव में देखा होगा तो वो नेनुआ वनुआ जो होता है, कद्दू वगैरह होता है, उसमें ऐसा देखने को मिलता है। हम लोग लकड़ी वगैरह रख देते हैं और आसानी से क्या होता है वो प्लांट ऊपर चढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स। क्लाइंबर्स वाले प्लांट में ये जरूर होता है और इसी के मदद से ये जो है ना पकड़ते हुए चीजों को बांधते हुए आसानी से ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जबकि क्रीपर्स में ये चीज नहीं होता है और इसी वजह से ये ऊपर नहीं चढ़ पाता है। इसीलिए जमीन पर रेंगते हैं और रेंग करके ही अपना फल लगाते हैं, जैसे कि तरबूज वगैरह आपने देखा होगा, खरबूज देखा होगा, क्लाइमस में अंगूर हो जाता है, या हम लोग इसको बोलते हैं ये कद्दू वगैरह बोलते हैं, तो ये सब क्लाइमस में आते हैं। तो बस यही फर्क होता है क्रीपर्स में और क्लाइमस में टेंड्रिल्स का।